तो बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं ठीक है है, और ना ही मुझे कोई प्रेशर है हसन की तरफ से बहुत या अच्छी उनकी बात है। फैमिली की पूरा तरफ से। अक्सर इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं, मुझे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। खानदान मुसलमान है आपका, कहीं ना कहीं कोई फुप्पो खाला ताई मेरा बोल खानदान देते एज मेरी आपके ससुराल, मेरे ससुराल। हाँ ओके, तो फिर तो वो कहीं ना कहीं कह तो देते होंगे आपको मेरे अपने घर वाले, जी ससुराल वाले। अच्छा ससुराल वाले नहीं, 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 मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे हैं सब। कि मुसलमान हो जाओ और ये इस तरफ आ जाओ, इस तरीके की बात नहीं अभी तक करते। तो किसी ने नहीं बोला। नहीं, वो तो आपकी चॉइस है, जाहिर है, ये हाँ तो जब आप करें अल्लाह आपको हिदायत दे तो सख्त क्यों हाँ ना, बिल्कुल, अगर होना बेहतरीन। भी है तो दिल से होए बंदा, वरना ना ही हो तो बेहतर है। नहीं नहीं बेहतरीन है, बेहतरीन है। अच्छा, इसमें वैसे सुनीता प्रॉब्लम नहीं आती? हमारी जब शादी नहीं हुई थी, होने वाली थी, उसी वक्त ये चीज डिसाइडेड हो गई थी कि जब बच्चे होंगे तो वो इस्लाम ही फॉलो करेंगे। मैं रह रही हूँ अपने इन लॉज के साथ, तो वो उनको ज्यादा बेहतर सिखा सकेंगे, बजाय इसके कि मैं उनको बीच में लटका देती कि नहीं भाई तुम बड़े होके डिसाइड करो। अक्सर ये आजकल नया ट्रेंड भी चल रहा है ना कि बड़े होके बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस रिलीजन पे जाना है। लेकिन आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपका बाप मुसलमान है, आपका दादा दादी सब घर में है, सब मुसलमान है, वो ज्यादा बेहतर उनको टीच कर सकेंगे। और एक कल्चरल चीज भी है कि वो बाप के हवाले से ही चल रहे होते हैं कि मेरे बच्चे जो है वो कुरान पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं। मैंने एक ही डायरेक्शन में रखा है ना, वरना वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। दोनों हाँ तरीके से। निकाह हुआ, हाँ निकाह पे मेरा कोई नाम वाम चेंज नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, ना ही सही, मैंने कलमा वलमा कुछ नहीं पढ़ा। कि ये जायज है, ये भी बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जायज नहीं, मुस्लिम और क्रिश्चियन लड़की का निकाह। नहीं अहले किताबें बिल्कुल जायज है, बिल्कुल बिल्कुल, सही। तो मान लें, जो लोग नहीं मानते हैं वो मान लें कि हाँ भाई ये जायज है। तो हमारा पहले मुसलमान